हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट। वी आर टीचिंग स्टेंजा नंबर सेकंड, इंटरमीडिएट इंग्लिश पोएट्री, कैरेक्टर ऑफ ए हैप्पी लाइफ। आई हैव रिटन दिस डिफिकल्ट वर्ड्स इन स्टेंजा नंबर सेकंड। होल्ड पैशंस नॉट हिज आर्मर्स, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world with care of princely love or vulgar greed. I have written on blackboard, this is a difficult verse in poem, stanza number second. Passions, P-A-S-S-I-O-N, yes, passions. Passions means strong feelings, desires. Still means always, sadhav, untied means free, unattached, bandhan mukt ya mukt. Vulgar breed means criticism of low people. One who criticizes and category of a below lower quality, it's low, जो हमारी आलोचनाएं किया करते हैं। Happy man never worthy such a criticism. So we are going to tell you what the meaning of these difficult words also in English and Hindi. Patience, I have written in English meaning, patience means strong feelings or athwa desires. In Hindi, tivra bhav ya ichha. So, one word is vulgar breed, criticism of mean people. सामान्य जन की जो आलोचनाएं होती हैं इंग्लिश में उसे हम वुलगर ब्रीथ कहते हैं। प्रिंसली लव, प्रिंसली पी आर आई एन सी ई एल वाई, प्रिंसली लव, एल ओ वी ई, लव मीन्स यहाँ है प्रिंसली लव। हियर इज द मीनिंग ऑफ फेवर ऑफ द किंग, फेवर एफ ए वी ओ यू आर, फेवर ऑफ द किंग। मीनिंग ऑफ दिस वर्ड्स प्रिंसली लव इन हिंदी, दैट राजा का अनुग्रह करना, गुणगान करना, राजा के यहां अन्याय विनय करना। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश पोएट्री दैट वेरियस पोएट हु इज ऑल्सो every day, every time attends in the court of king like a and other postures. So you will be also seen today. They called a court poet, यानी कि दरबारी कवि होते हैं वो। always क्या करते हैं तो गुणगान में रहते हैं, अन्याय विनय में लगे रहते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए भी कवि ने हम सबको सावधान किया है, हमें कभी ऐसे लोगों की चिंता या फिक्र नहीं करना चाहिए। अब हम आते हैं आपको मीनिंग बताने के लिए। करेक्टर ऑफ हैप्पी लाइफ, ये पर्सन हु इज हैप्पी, वह व्यक्ति जो सुखी होता है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये इसका मीनिंग होगा, आप ध्यान से सुने कि हु पैसेस नॉट हिज मास्टर्स आर। सुखी व्यक्तियों को, सुखी जो लोग होते हैं वो पैशंस नॉट, उनकी जो तीव्र इच्छाएं होती हैं वो किसी के अधीन नहीं होती हैं। वो सूल इज स्टिल प्रिपेयर्ड फॉर डेथ, सुखी व्यक्ति की आत्मा, सूल है एस ओ यू एल, सूल मीन्स आत्मा होता है हिंदी में। तो आत्माएं जो होती हैं ऐसे लोगों की, वो सदैव मृत्यु के लिए सतर्क रहती हैं, तैयार रहती हैं, बिल्कुल रेडी टू डेथ डाइट। सो untied into the world with care, untied means होता है free, वो
मुक्त होते हैं, बंधन मुक्त होते हैं द वर्ल्ड विथ केयर, सांसारिक चिंताओं से फिक्र नहीं होता है। हैप्पी मैन हैज नो केयर टू बिल्ड हिज लाइफ फॉर मेक ए फॉर्चून, ही नेवर मेक एप्रिशिएट समवन। दिस इज द एबिलिटी ऑफ ए हैप्पी मैन। सो आप प्रिंसली लव, लास्ट लाइन जो बता रहा है चौथी पंक्ति, आप प्रिंसली लव आर वुलगर ब्रिज, आप प्रिंसली लव, प्रिंसली का हियर इज द मीनिंग ऑफ ए किंग, हायर पोस्टेड पर्सन, वो क्या होगा, आप प्रिंसली लव उनके अधीन होकर। वुलगर ब्रिज का मीनिंग क्या है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वुलगर ब्रिज, क्योंकि डिसीजन आप लोग के लिए। तो ये लोग जो होते हैं वो सीधी सीधी बात है कि ऐसे लोग कभी भी वो किसी के प्रशंसक नहीं बनते, और जो कंडीशंस क्रिएट होती हैं वो है, आपको हिंदी वाक्यों में बताया जाए तो ये है कि समझ ले इस चीज को, बहुत आसानी से समझ सकते हैं हिंदी में, कि जिसने अपने जीवन को, यानी स्टेंजर नंबर सेकंड में हम पढ़ेंगे कि जिनकी वासनाएं उसके स्वामी नहीं होती हैं, ऐसे लोग जो सुखी व्यक्ति होता है वो सदैव मृत्यु के लिए तैयार रहता है, और वो जो शाही प्यार होते हैं, जो प्रिंसली लव होता है, अथवा ये असभ्य लोगों की आलोचना की चिंता के द्वारा इस संसार में से वह कभी बधा हुआ नहीं होता है, वही सुखी व्यक्ति होता है। हमारी बात यही समाप्त होती है, थर्ड स्टेंजा में हम आएंगे।